नमस्कार, मैं हूं नवनीत आचार्य। आप सभी का स्वागत है न्यूज आप तक में। दो दिन पहले हमने आपको न्यूज दिखाया था कि सर्किट हाउस हैडो वार्ड नंबर 2 में तेज वर्षा के कारण लैंडस्लाइड हुआ और एक घर के सामने जो रिटर्निंग वॉल था वह गिर गया। घटना स्थल पर कल सवेरे सीनियर वाइस चेयरमैन अजीजुर रहमान और वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर सोमेश्वर राव मौजूद थे, जिनके देखरेख में कार्य हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि मरम्मत के लिए वे सेक्रेटरी पीपीएमसी से इमरजेंसी फंड की आग्रह करेंगे और इस प्रकार की घटना ना हो इसीलिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित जी के साथ। नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं हैडो के यहाँ पर, हैडो वार्ड नंबर 2 सर्किट हाउस के जस्ट बगल। जैसा हमने कल भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करी थी और हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ पर दीवार गिरी। दीवार जो है डायरेक्ट यहाँ पर एक घर है, वो घर के ऊपर गिरी और उस हादसे में वो घर का जो दरवाजा है प्लस उसका फ्रेम वो टूट गया। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये फुटपाथ है और यहाँ में आने जाने का मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फुटपाथ जो है ये गोटा यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। और हम आपको ये बता दें कि जितने भी लोग हैं यहाँ से आते जाते वो लोगों का आना जाना बंद है। तो इस विषय को लेकर जिनका घर है उन्होंने वार्ड काउंसिलर से बात करी सोमेश्वर राव जी, और वो कल यहाँ पर आए थे और अभी भी यहाँ पर आए थे और आगे कुछ देर पहले गए। और अभी जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सीनियर वाइस चेयरपर्सन अजीजुर रहमान जी यहाँ पर आज आए हैं क्योंकि ये घर वालों ने उनसे बात की और उनसे यहाँ पर आने को कहा, इसीलिए वो यहाँ पर आए। आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार, यहाँ आने के बाद हेडो राकेश के फैमिली ने बुलाया यहाँ पे और आकर मैंने देखा। कल ही मुझे व्हाट्सएप में आ गया था कि यहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है और एक बड़ा रिटर्निंग वॉल जो है इनके घर के ऊपर दरवाजे में गिर गया। तो ये तो अच्छा हुआ कि किसी का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, और क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो ये जो पानी जो है इनके घर के अंदर आ रहा है और ड्रेनेज का जितना भी चौक हो गया है पूरा जाम होने की वजह से इनके घर के अंदर पानी आ रहा है। तो इनके एरिया के काउंसलर ने भी बताया, और परसों जब ये हादसा हुआ था उसके बाद जो है काफ़ी उन्होंने अपना म्यूनसिपल के वर्कर को रखकर जो है कंटिन्यू वो काम कर रहे हैं और जितना हो सकेगा कि वो मट्टी अभी फिलहाल जो है कुछ नाली क्लीन होने तक का जो है निकाल दे, बाकी वैसे ही रखकर उसको एक टीना वगैरह मार के टेम्परेचर को रोकने का काम करेंगे। और देखता हूँ, अभी म्यूनसिपल जाता हूँ तो देखते हैं डिजास्टर में कुछ हमारे पास अभी फंड है कि नहीं है। नहीं भी होगा तो सेक्रेटरी पीबीएमसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इमरजेंसी फंड जो है सर आप इनके लिए अलॉट करिए, क्योंकि ये काम इनका प्रायोरिटी वर्क में होना है। क्योंकि ये अगर जल्द से जल्द अगर बारिश रुकने के बाद नहीं बनाए तो ये और हाइट है काफ़ी, तो ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, फिर और खतरा बढ़ेगा। हम आपको ये बता सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, ये जैसा इनका कहना है, इन्होंने हमें कल जो इंटरव्यू दी थी उसमें भी ये बताया कि ये चीज़ ये भी कभी भी गिर सकते हैं यहाँ पर, ये मट्टी भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तो ऐसी भी इनको एक हादसा इनके साथ हो चुका है और ये कहते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो करके आप लोग कुछ करें। जरूर इसमें कोशिश करेंगे, अब जाने के बाद ही बताऊंगा कि इसमें क्या बजट है हमारे पास, क्योंकि इमरजेंसी वर्क है और काउंसिल का इतना फाइनेंशियली अभी इतना हम लोग स्ट्रांग नहीं है, फंड इतना नहीं है हमारे पास, मगर कोशिश करेंगे इस काम को जो है जल्द से जल्द म्यूनसिपल जो है करें। तो ये थे अजीजुर रहमान जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 6 के काउंसलर। और हम आपको बता दें जैसा इन्होंने अभी यहाँ हमें बताया कि इसके लिए ये क्या
क्या करेंगे तो आगे भी इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और आइए अब इसी विषय में हम घर वालों से बात करते हैं, क्योंकि कल रात को यहाँ पर पानी भी भर गया था। तो बताइए, जैसा आपने कल रात को हमें कॉल करके कहा था कि यहाँ पर पानी भर गया था, तो बारिश के कारण हम यहाँ पर नहीं आ पाए, तो आप बताइए। नहीं, वही रात को बारिश आया तो आपका मेरा ड्रेन जो है वो पूरा फुल मट्टी और जो पत्थर गिरा था उनसे पैक होके जो है पानी सारा ओवरफ्लो होके सारा घर का अंदर आ गया था। तो रात भर हम लोग घर के अंदर बैठने नहीं सके। अब बाहर बगल का घर में आके रात को वहीं खाना खा के वहीं सो गए। अब सुबह जब बारिश सुबह जो पाइपलाइन से जो बारिश पानी आया वो पानी भी जो है ओवरफ्लो होके वो भी पानी भी पूरा घर के अंदर गया। अभी ड्रेन एकदम पूरा फुल जाम है मट्टी का वजह से और पत्थर सब। अभी क्या करेंगे, अब उसका कुछ सॉल्यूशन करके। मैम, अभी आपने ये कहा था कि वार्ड काउंसलर यहाँ पर आके गए, देन यहाँ पर अभी सीनियर वाइस चेयरपर्सन आए और इन्होंने आपसे आपके सामने ही कहा है कि ये जितना हो सके इनसे ये करेंगे और जल्द से जल्द ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से भी बात करेंगे और जितना हो सके ये काम को यहाँ पर क्लियर कराएंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोल दिए थे, और आगे जो है हम लोग के लिए थोड़ा कुछ भी हेल्प करिए और जो हम लोग का जो नुकसान हुआ है उनका भी भरपाई कर दीजिएगा। मैम, जैसा कल रात को आपने मुझे कॉल किया था तो उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि आप लोग वीडियो बनाकर रखिए, क्योंकि उस समय हम इतना बारिश कर के हम यहाँ पर नहीं आ सके। तो इसीलिए हम जब यहाँ पर आके देखे तो हालत तो यहाँ पर बहुत ही खराब था, क्योंकि जैसा आपने बताया यहाँ पर पानी घोटा भर चढ़ चुका था। तो लोगों ने रात कहाँ पर गुजारी? रात भर पूरा बगल का एक घर है उनके घर में जाके वहीं रहे, रात वहीं खाना खाए वहीं सोए, क्योंकि घर में जो है घुटना तक पानी भर गया था। वो भी अच्छा पानी नहीं, सारा लैट्रिन का पानी जो नाली से ड्रेन से जाता वाला पानी था सारा ओवरफ्लो होके सारा मेरा घर के अंदर आ गया था। अभी सुबह भी इसी तरह हालत है। सेक्रेटरी साहब आए थे, काउंसिलर साहब आए थे, उनको भी सब दिखाए हम लोग, उन लोग भी सब देख के गए हैं। अभी आगे क्या क्या करते हैं देखते हैं। तो आइए अभी हम इनके बेटे से बात करते हैं। तो सर, आप बताइए, जैसा अभी यहाँ पर वार्ड काउंसिलर आके गए, देन अभी यहाँ पर सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी आई है अजीजुर रहमान जी, और जैसे उन्हें पता चला, पता चलते ही वो यहाँ पर पहुँचे। और बताइए सर। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है, और ये काम कल मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ 6 बजे से और काम चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बारिश के वजह से वो लाइन स्लाइड और हो रहा है, वो मिट्टी और बह रहा है, बहने की वजह से पूरा घर की तरफ जा रहा है, घर के अंदर आ रहा है, और उसके वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे कि अभी मेरा अपना भी खुद का बिजनेस है, मैं 2 दिन से अपने जिम नहीं जा पा रहा हूँ, और मेरे सारे रूम में पानी भर चुका है। और कल रात को हम लोग ने वीडियो भी बनाया था इसके रिगार्डिंग, और अब सर आए हैं अजीजुर रहमान सर, देखते हैं कैसे होता है आगे। काउंसलर भी आए थे सुबह, काउंसलर से भी बात हुआ, वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर कुछ टेम्प्रेरी सोल्यूशन कर देंगे, देखते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले भी आपको दिखाया था, और आज यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन भी सर भी यहाँ पर आए अजीजुर रहमान जी, और इन्होंने घर वालों से ये कहा कि जितना हो सके जितनी हो सके कुछ ना कुछ यहाँ पर बस उनके लिए करके देंगे, ताकि ऐसा हादसा यहाँ पर दोबारा ना हो। और इसका आगे का भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। न्यूज़ आप तक को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी न्यूज़ है हमारे नीचे देखिए, आप नंबर स्क्रॉल होती रहेगी, आप उसमें हमें अब कॉल कर अपना जो भी न्यूज़ हमें दे सकते हैं। देन www.newsaptakandaman.com अब आप हमारे साइट में भी जाके हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।